नमस्कार, मैं विनीत जायसवाल, एसपी शामली। आप सभी लोग अवगत हैं कि जनपद शामली में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन किया गया है। सभी व्यापारी बंधुओं से, व्यापार मंडल से मेरा अनुरोध है कि यह संदेश सभी स्तर के जो थोक और फुटकर के विक्रेता व्यापारी हैं उन तक ये पहुंचाया जाए। कई जगह से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ व्यापारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए जो उचित मूल्य है आवश्यक वस्तुओं की, उनसे बढ़ाकर ऊंची दरों में लोगों को सामान बेचा जा रहा है। इसी संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ये गैर कानूनी है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, इसके तहत सख्त कानूनी प्रावधान है इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, यह मौके का फायदा उठाने का अवसर नहीं है, यह एक पूरे राष्ट्र के लिए चुनौती है। और हमारा दायित्व है कि पूरा समाज और समाज का हर वर्ग एक साथ मिलकर इस चुनौती से लड़े। कुछ व्यापारियों के इस तरह की हरकत से पूरे समाज में एक गलत संदेश जाता है, इसलिए मैं पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी सभी को अपने स्तर से बताएं कि इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस ना करें, और यदि जांच में इस तरह की कोई शिकायत सही पाई जाती है तो प्रशासन को, पुलिस को उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सेक्टर जोनल सभी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट फील्ड में हैं, कभी भी जांच में इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करूँगा कि पुलिस प्रशासन का इस चुनौतीपूर्ण समय में सहयोग करें।